जनार्दन है, यही मेरी एनर्जी है। भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का निशान है वो मेरे को एनर्जी देता है, और मैं जब जनता में जाता हूँ, उनकी परेशानियों को देखता हूँ और सुनता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उन्हें जब विश्वास ये होता है कि आने वाले समय में हमारा भाई दोबारा से विधायक बन के आएगा, तो मेरे को बहुत ही खुशी भी होती है और उसी की वजह से ये एनर्जी आती रहती है। मैं उनका साथियों को एक प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, वो इसी तरीके से अपने जोश को बनाए रखें, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमने लोगों से बातचीत की है सूर्यपुर के, तो यहाँ के लोगों ने जो बताया, जो अभी प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं और पहले बीजेपी को समर्थन देकर जो है सरकार में भी सत्ता में भी आ गए थे, लेकिन जो है उन्होंने इस क्षेत्र में गली खनन जो इस चीज के लिए कोई कार्य नहीं किए हैं, उस पर क्या देंगे? और उन्होंने अब जो है विश्वास आप पर जताना शुरू कर दिया कि एक चंद शर्मा को जितवाएंगे तो आगे ये काम होंगे। मैं आपको बता दूं, मैं पहले 14 से 19 विधायक रहा था। यहाँ आगरा कैनाल पे पुल नहीं था, यहाँ ये पुल की बनवा करके, ये सड़कें बनवा करके मैंने इसकी इनकी दूरी को बहुत कम किया है, और मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि दिलों की दूरी कम की जाए, और दिलों की दूरी कब कम होगी? जब आने के रास्ते सुगम होंगे। मैंने यहाँ पे अन्य जब भी कार्य हुए, मैंने 15-20 लाख रुपए चौपालों वगैरह के लिए दिए थे, अन्य कामों के, स्ट्रीट वगैरह के, लाइट वगैरह के लिए दिया था उस समय पर। बाकी दुर्भाग्य रहा कि पिछली बार मेरा टिकट नहीं मिला, और उन्हें इंडिपेंडेंट वो जीते, उन्होंने 5 साल तक वहाँ सिर्फ अपना ऐशो आराम में गुजारा, इसके सिवा वो ना पब्लिक में गए ना कुछ। तो पब्लिक उस चीज का था निश्चित तौर पर बदला भी लेगी, और निश्चित तौर पर उनको ये सबक भी सिखाएगी कि जितना हम प्यार करना जानते हैं उतना हम गुस्सा भी करना जानते हैं। जुबानी जो है उनकी आजकल बड़ी मशहूर हो रही है, क्योंकि आजकल जो कुछ चीजें जो सामने आ रही है, महिला पत्रकार के साथ ही मुख्यमंत्री की बात सामने आई है, और उन्होंने भी मांग की है चुनाव आयोग से कि उनका नामांकन जो है रद्द किया जाए, क्योंकि उनको जनता से, महिलाओं से बात करने की तमीज लग रही है। कैची तो मिली है उनको इस बार, और जुबान भी कैची। देखिए, जहाँ तक बात है, ये उसका चरित्र का निर्माण है, मैं इस बारे में क्या कहूँ वो तो अपने आप वो जाने। मैं इतना जानता हूँ कि बहन बेटी की, चाहे पत्रकार हो चाहे वैसे हो, सबका सादर सत्कार करना चाहिए, और किसी के प्रति ऐसी नकारात्मक सोच ना बनानी चाहिए कि जिससे कि दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचे। आपने कहा कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी का बारे में बताएं। मोदी जी 2 अक्टूबर को, जैसा कि मेरे को अभी कृष्णपाल जी ने बताया है, 2 अक्टूबर को पृथला विधानसभा क्षेत्र के गदपुरी हाईवे पे टोल के पास आ रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत, जो हिंदुस्तान में नहीं विश्व में एक अपने आप में अलग पहचान रखती है, वो हमारे बीच में आएंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। सैनी समाज को आज आपने जिम्मेदारी भी दी है उस रैली के लिए। नहीं, सैनी समाज के और सभी समाजों को, मैं तो आज ये सरूरपुर गाँव सैनी बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें हमारी जिम्मेदारी, हमारा लगाव भी इनमें बहुत ज़्यादा है। वैसे तो हमारा सभी समाजों में रहता है, बाकी ये कुछ ज़्यादा लगाव हमसे रखते हैं। यहाँ एक परेशानी भी एक बहुत बुरी थी, मैंने तो वो भी कहा, आने वाले समय में उसका भी निदान कराएंगे। और सैनी समाज में एक हमने प्रार्थना की है कि भाई नायब सिंह सैनी जी दोबारा भी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए आप उनके हाथ मजबूत करें, मेरे हाथ मजबूत करें, जिससे कि इस क्षेत्र का भला हो सके, इस हरियाणा का भला हो सके। सुंदर मॉडर्न आरएस पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर, आज पंडित एकचंद शर्मा जी आपके बीच में आए हैं, भाजपा से प्रत्याशी है, तो यहाँ जोरदार लग रहा है। हाँ जी, माहौल बहुत जोरदार से है, और पूरा समर्थन जाएगा गांव का, कॉलोनियों का, सबका समर्थन जाएगा, तो एक तरफा वोट डलेंगे। एकचंद शर्मा, आप करें क्षेत्र के मुद्दों की, क्या क्या मुद्दे हैं क्षेत्र में? क्षेत्र के कुछ भी नहीं है जी, एक दो मुद्दे हैं जिनसे गांव के लोग, कॉलोनियों के लोग सफर कर रहे हैं। जैसे हमारा शिव मंदिर है, शिव मंदिर पे जो पानी की समस्या है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और बाकी एक सरकारी स्कूल की जो थी वो पासिंग हो चुकी है, टाइम के आते आते वो भी कंप्लीट हो ही जाएगा। मेन तो सफर अभी पानी की समस्या से ही कर रहे हैं। बात करें पहले जो विधायक रहे हैं निर्दलीय महनपाल रावत, कितना विकास कार्य करवा पाए आपके क्षेत्र में? देखो, उनके साथ अपील तो की थी कि जी गांव के लोग जो है वो सफर कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई वहां से। तो अब उम्मीद है टेकचंद जी से? जी बिल्कुल उम्मीद है। अब तो उम्मीद इसलिए भी है कि अब तो हमारी सरकार आ चुकी है, सैनी हमारे जो सीएम है वो नायब सिंह सैनी जी हैं, और लोगों का ये मानना भी है कि देखो उन्होंने काफी हद तक हेल्प भी की है,
और जो हमारे गांव की फिरनी भी है, नालियों से जो जो भी गया है वो सब उनका मतलब कंप्लीट ही काम किया उन्होंने वैसे भी। तो लगता है पेशन शर्मा इस बार भारी मार्जिन से जीतेंगे। हाँ जी बिल्कुल जीतेंगे, 100% श्योर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनील सैनी है। देखो हमारा एक ही महत्व है, नायब सैनी को सीएम बनाना और हमारा लक्ष्य है, और हमारा जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो कैंडिडेट भी है उसका समर्थन देना है और सीएम साहब नायब सैनी होने चाहिए, बस बस बस। हाँ सर, यहाँ श्याम नगर में राकेश कुमार यादव, राकेश यादव यहाँ श्याम नगर में मेरा घर है, यहाँ कोई रास्ता नहीं बनी आज तक, और आज तक कुछ यहाँ विकास हुआ ही नहीं है। अच्छा तो अब पेशन शर्मा जी आए हैं, इनके समर्थन में आए हैं, क्या लगता है आगे उम्मीद है? नहीं बिल्कुल उम्मीद है, इनको हम समर्थन भी करते हैं, हमारे जो कॉलोनी का जो रास्ता है वो सभी लोग बनवाना चाहिए इनको। हाँ जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन जो हमारा रास्ता है ये आके देखे और इस चीज को करे और देखे कि हमारे गलियों का क्या हालत है, हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं वो अपना सर फुड़वा जाते हैं क्योंकि वो रास्ता चलने के लायक है ही नहीं। इससे पहले का विधायक नैन पर रावत था, उसने कोई काम करा ही नहीं। हाँ कोई काम उसने करा ही नहीं है। अब वो चुनाव का टाइम है तो आया था और काली मिट्टी उसमें गिरवा के गया है, जिसमें सब बहुत बदबू आ रही है। धन्यवाद, स्वागत।